ये है दोस्तों आपका टाटा प्राइमा। सब्सक्राइब कर दीजिए और प्रेस कर दीजिए बेल आइकन पाने के लिए लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस सबसे पहले और सबसे तेज। आज इसका पूरा एक्सटीरियर पूरा इंटीरियर आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत ही शानदार सा ट्रक है, ये एक कमर्शियल व्हीकल है। पहले इसके हेडलैम्प्स आपको चेक करा देते हैं, फॉग लैम्प्स भी देख लीजिए। शायद आप एक कमर्शियल गाड़ी से ये उम्मीद नहीं रखते होंगे कि आपको इतना ब्यूटीफाइड सा फ्रंट इसको मिलेगा, लेकिन इधर भी आप देखते हैं प्राइमा की ब्रांडिंग पूरी क्रोम पे दी गई है और साथ में जो आपका इंसर्ट है क्रोम का वो आपको अवेलेबल है, पूरी प्लेटिंग। इधर आप हेडलैम्प्स फिर से चेक कर लो तो एक बहुत ही बढ़िया सी फीलिंग आती है। स्पेशली एक इंडियन कंपनी है वो अगर ऐसा कुछ बनाती है तो ऑब्वियसली अच्छा लगता है और आपको भी शायद अच्छा फील हो रहा होगा। अब ये नॉर्मल सी कोई गाड़ी नहीं है, कमर्शियल व्हीकल है, लेकिन फिर भी एक अच्छी चीज़ दिखाना बनता है चैनल के ऊपर। अभी आपको इसका इंटीरियर भी देखने को मिलेगा। फिलहाल अब इसकी जो साइड प्रोफाइल है वो आपको दिखा सकते हैं हम यहाँ पे। ये आप इसकी जो साइड प्रोफाइल है वो आप देख रहे हो, प्राइमा की जो पूरी ब्रांडिंग है वो आप देख सकते हैं इसके साइड्स में। ब्लू कलर इसके ऊपर कुछ ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है। अब चलते हैं, पहले इसका जो व्हील एरिया है वो आपको दिखा देते हैं। JK टायर्स के आपको व्हील प्रोवाइड करे गए हैं। जो भी आपके मन में थॉट्स आ रहे हो इसको देखकर वो ज़रूर बता दीजिएगा। स्पेशली जो इसका साइज़ है, एक ह्यूमंगस ट्रक है ये, तो उसको देखकर आप क्या सोचते हैं वो ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। पीछे तक चलते जाते हैं, इसमें अपने हिसाब से पीछे अटैचमेंट्स लगाई जा सकती हैं जिस भी पर्पस में आपको इसको यूज़ करना है। तो जो कमर्शियल व्हीकल्स देख रहे हैं या सर्च कर रहे हैं तो उनके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। बैक में आ गए हैं पूरे इसके, केवल आप इसका साइज़ देखिए। अपने जो टेल लैम्प्स हैं वो आप इधर देख रहे हो, पीछे आपको प्राइमा की ब्रांडिंग है, इसमें आपका जो नंबर प्लेट वगैरह है वो आप लगा सकते हो। जैसे कि आप देख रहे हैं एक्सटीरियर में पीछे इतना कुछ बात करने के लिए नहीं है, लेकिन फिर भी जो क्वालिटी है वो आपको दिखाना बनता है और वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है इसको देखकर। नीचे डिस्क्रिप्शन में कंपनी का लिंक भी मिलेगा आपको, वहाँ जाके आप इसके बारे में और भी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन ले पाओगे। इसका जो पहले अभी इंटीरियर मैं बाहर से दिखा देता हूँ, फिर अभी अंदर भी चलेंगे और अंदर बैठकर भी देखेंगे। ये मत सोचिएगा कि अंदर बैठकर आपको देखने को नहीं मिलेगा, पहले मैंने सोचा चलिए आपको बाहर से भी व्यू दे देते हैं। कितना मुझे कैमरा ऊपर मूव करना पड़ा है आपको इसका इंटीरियर दिखाने के लिए। अब फ्रंट से भी थोड़ा सा कैमरा ऊपर करते हैं, इधर से भी देख लीजिए। इसकी मैं केवल आपको एक हाइट से थोड़ा सा आइडिया देना चाहता हूँ। मेरी हाइट 6 फीट है, लेकिन मुझे फिर भी कितना स्ट्रेच करना पड़ रहा है। अब मैं ऊपर एक पैराफिट पे आ गया हूँ, तब जाके मैं इसके बराबर पे आ पा रहा हूँ और आपको इसका जो इंटीरियर है थोड़ा बाहर से भी दिखा रहा हूँ। अभी अंदर चलेंगे, परेशान मत होइएगा बिल्कुल भी। अभी मैंने कीज़ के लिए बोला हुआ है, वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। थोड़ा सा कैमरा मैंने जूम किया, इसको वापस से कर लेते हैं नॉर्मल पोजिशन पर। इधर से आप इसमें चढ़ सकते हो अंदर जाने के लिए, वापस से आ जाते हैं। और अब टाइम आ गया है इसके अंदर जाने का, अंदर बैठकर आपसे बात करने का, तो लेट्स गो इनसाइड। अब मैं दोस्तों टाटा प्राइमा के अंदर आ गया हूँ, अंदर से आपसे बात कर रहा हूँ। इधर पूरा जो इसका डैशबोर्ड है वो आप देख सकते हो, शायद आपको ये कुछ गाड़ियों से भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। इधर आपका जो इंस्ट्रूमेंट कंसोल है वो आप चेक कर रहे हो। अब इधर देख लीजिए, आपके सेवरल कंट्रोल्स हैं वो आपको प्रोवाइड करे गए हैं, ये आप देख सकते हो। फिटमेंट्स देख लीजिए, आपको क्वालिटी बहुत ही अच्छी मिलेगी। ये मत सोचिए कि कमर्शियल गाड़ी है तो आपको क्वालिटी में कुछ कॉम्प्रोमाइज़ मिलेगा। शानदार फिटमेंट, शानदार मटेरियल क्वालिटी, प्लास्टिक क्वालिटी मिलती है। अब यहाँ से आप केवल हाइट देखिए नीचे, कितना हाइटेड ट्रक है ये। इधर से एक साहब खड़े हुए हैं, उनको भी आपको दिखा देते हैं तो थोड़ा आपको आइडिया लग जाएगा। ये देख लीजिए कितनी इसकी हाइट है। इंस्ट्रूमेंट कंसोल में आपको DIS भी मिलता है, ये भी आप शायद ट्रकिंग में पहली बार देखोगे। इसकी स्टीयरिंग देख लीजिए, किसी कार की स्टीयरिंग की तरह लगती है। सेवरल कंट्रोल्स आपको प्रोवाइड करे गए हैं। AC वेंट्स देख लीजिए, AC पूरा आपको मिलेगा इसमें। इधर अपने आप टॉगल चेक कर सकते हो। तो दोस्तों एक छोटा सा ये वीडियो था आपके लिए, कुछ अलग सा वीडियो लाना था इसलिए मैंने इस ट्रक का वीडियो बनाया। अच्छा लगा हो तो ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।